ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका राज्य की सीमाओं से बाहर भी बज रहा है। अपराध और अत्याचार के शिकार लोगों में बाबा के बुलडोजर का क्रेज है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर योगी पंजाब के सीएम होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। मूसेवाला की हत्या को 10 महीने बीत गए पर उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। योगी सरकार के कानून व्यवस्था का दूसरे राज्यों में भी डंका बज रहा है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि पंजाब में तो गैंगस्टर्स के दिन चल रहे हैं, यूपी में गैंगस्टर साफ कर दिए जाते हैं। अगर योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। यूपी में गैंगस्टर जमींदोज कर दिए जाते हैं। आज यूपी में पंजाब से ज्यादा विकास हो रहा है। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक बढ़ गए, हाथ पा के देखण होर किसे नूं। और सरकारां साडियां लेलड़ियां कढ़दियां ने, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੂਪੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੱਗੂ ਮਿਲ ਜੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕੋ ਯੂਪੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। मार्च 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए कड़े एक्शन का फरमान जारी किया। यूपी पुलिस ने इन 6 सालों में 10,814 एनकाउंटर किए, इसमें 179 अपराधियों को मार गिराया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चाहे कानपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विक्रू का विकास दुबे गैंग हो या फिर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने वाला अतीक अहमद गैंग, योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए है। मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के खिलाफ भी पिछले 6 सालों से एक्शन जारी है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में 2 आरोपियों के पिछले 2 सप्ताह में पुलिस एनकाउंटरों में मारे गए हैं। इन मामलों के बाद से ही यूपी में पुलिस एनकाउंटरों का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। उमेश पाल मर्डर केस में 5 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। हालांकि एनकाउंटर के मसले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि ऐसा नहीं है कि राज्य में एनकाउंटर की पॉलिसी है। सरकार क्राइम पॉलिसी के तहत जीरो टॉलरेंस को लेकर काफी सख्त है। इसके अलावा एनकाउंटर के किसी भी मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग या ऐसे अन्य निकायों के प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। उमेश पाल केस पर उन्होंने कहा कि एसटीएफ काम कर रही है, अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे।